लीटर हाय चिराग कितना लाया तू फर्स्ट क्लास लाया हा? देख हम लोग है ना अभी जूनागढ़ जाएंगे मैंने मानता मानी थी जूनागढ़ वाले बाबे की कि तू फर्स्ट क्लास ही लाएगा 60% लाएगा रक्षा उसे बोल देना हाँ बोलेगा वो कितना लाया बेटा चिराग बच्चे रो क्यों रहा है तू क्या हुआ फिर फेल होकर आया पापा पापा इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है पापा नहीं बेटा तुम्हारा कोई कसूर नहीं कसूर हमारा है जो हमने तुझे पैदा किया है इससे अच्छा होता हमारा कोई बेटा ही ना होता अरे ये क्या बोल रहे हो आप ये हमारा बेटा है बाबा तुम चुप रहो दक्षा ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है चिराग तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते तुम तो ये सोचते होगे कि तुम्हारे माँ बाप सारी उम्र बैठे रहेंगे तुम्हें खिलाने के लिए जरा घर से बाहर निकल कर देखो उन गरीब बच्चों को जो झोपड़ पट्टी में रहते हैं जिनके घर में लाइट तक नहीं है स्ट्रीट लाइट में पढ़कर अच्छे नंबरों से पास होते हैं और तुम सब फैसिलिटीज है बेस्ट एजुकेशन है फिर भी यू आर एन इरेस्पॉन्सिबल एंड केयरलेस चाइल्ड बस बस हाँ बहुत हो गया देख रही हूँ मैं आप कब से उसको डांट रहे हो अरे वो तो खाली पढ़ाई में फेल हुआ है जिंदगी में फेल थोड़े हुआ है और आपको मालूम है ना टॉर्चर करने का अंजाम क्या होगा मालूम है ना आपको मगर इस तरह पड़ेगा दक्षा तो कुछ नहीं बन पाएगा ये पत्थर है पत्थर जिस पर जितना मर्जी पानी फेंको सूखा ही रहेगा अरे पत्थर भी कभी कभी पीसने के काम आ जाता है मगर चिराग उस लायक भी नहीं है मिहिर और किरण ने अपना स्टेटस खुद बनाया है क्या चिराग बना पाएगा अरे दूसरे के बच्चों को पढ़ाई खेल कूद और दुनिया में आगे बढ़ता हुआ देखकर तकलीफ होती है इस बाप को समझ रहा है नालायक बेटा तू तू है ना मन पे मत ले उनको तो आदत है हमेशा तुम्हें टॉर्चर करने की बेटे हाँ मन पे मत लेने हाँ नहीं मम्मा पापा सही कह रहे मैं हमेशा ही फेल होता हूँ मैं किसी काम का नहीं रहा नहीं बेटा देख ऐसे ऐसे जिंदगी से हारने का नहीं ऐसे ऐसे सब बोल के तू ऐसा देख तू मेरा बेटा है ना मैंने तो तेरे लिए कितने सपने देखे हैं वो सब सपने तुझे पूरे करने हैं तू इस तरह हारेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा बेटा जिंदगी में हारने का नहीं कभी रोना बंद कर दे हम लोग दूसरी बार एग्जाम देंगे और फिर पास ही होंगे देखना रोना बंद कर जय राम जी की ये क्या तुम कल क्यों नहीं आए अरे यार धीरे बोलो किसी ने सुन लिया तो खाओं का प्रॉब्लम हो जाएगी ये मेरी बात का जवाब नहीं है तुम जवाब की बात कर रही हो और यहाँ पर मैं इतनी बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ हूँ अरे बैठो 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 क्या व्हाट इज द प्रॉब्लम पता है मुझे लग रहा है कि फैक्ट्री में कुछ गड़बड़ है कोई हमारे माल की हेराफेरी कर रहा है लेकिन तुम ये कैसे कह सकते हो मैंने कल रात को ऐसा करते हुए किसी को देखा था Oh God, ये तो वाकई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है अच्छा तुम्हें याद है हेमंत पर यहीं पर हमला हुआ था वो हमला भी इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने भी ये सब कुछ देख लिया था नहीं, तुम ये कैसे कह सकती हो मुझे हेमंत ने बताया ये अरे माफ कर दो मैडम हमसे गलती हो गई तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम दरवाजा खटखटा के अंदर आया करो अगली बार तुम्हें समझाऊंगी नहीं सीधा नौकरी से निकाल दूंगी बोलो क्या काम है मैडम वो मिस्टर माथुर आपसे मिलना चाहते हैं उनसे कहो बाहर बैठे मैं बाद में बुला लूंगी क्या मुसीबत है रोज नए नए लोगों से मिलना पड़ता है मेरा तो दिमाग ही खराब हो रहा है अगर आप इसे डील नहीं कर पा रही हैं तो आप उनसे कहिए कि हेड ऑफिस में फोन करके मिहिर भैया से बात करें वही उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और मिहिर भैया मान जाएंगे ऑफ कोर्स मिहिर भैया हमारे साथ देंगे अरे भाई मिहिर भैया हमारे साथ हैं वैसे भी हमें यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट काम करना होगा हमें यहाँ के सिक्योरिटी स्टाफ को चेंज करना पड़ेगा आई स्वेयर खैर वो तो मैं मीर भैया से बात कर ही लूंगा अब मैं चलता हूँ बाय
ऐसे हेलो हेलो मीर भैया, किरण बोल रहा हूँ। हाँ किरण बोलो। क्या है कि मजदूरों ने मुझे यहाँ का यूनियन लीडर बना दिया है। कांग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी। तुम जरूर कामयाब होगे, मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा भैया, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। मुझे लग रहा है कि फैक्ट्री से मटेरियल की चोरी हो रही है। What? चोरी? अच्छा हुआ तुम्हें इस बात का पता चल गया, वरना कुछ दिनों के बाद हम बर्बाद हो जाते। लगता है हमें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। What do you think? मेरे हिसाब से तो सिक्योरिटी को चेंज कर देना चाहिए। नहीं किरण, हम अगर ऐसा करेंगे ना तो उन्हें पता चल जाएगा और सही गुनहगार का पता नहीं चलेगा। हाँ आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस तरह हाथ पे हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते ना। तो एक काम करते हैं, आज ही हम सारा स्टॉक मुंबई में शिफ्ट करते हैं। That's a great idea. Okay. Bye. Bye bye. Take care. हेलो किरण मैडम, वो सूरज को किसी ने लाठी मार दी, वो बहुत सीरियस है, अस्पताल में एडमिट है। क्या? डॉक्टर साहब अब कैसी तबीयत है इसकी? डोंट वरी, इनकी किस्मत अच्छी थी कि ये वक्त पर पहुंच गए, वरना कुछ भी हो सकता था। नहीं नहीं ऐसे मत कहिए डॉक्टर साहब, हमेशा बचाने वाला मारने वाले से बड़ा ही होता है। सूरज आपको किसी पे शक है? इंस्पेक्टर साहब आई थिंक इस वक्त इन्हें आराम की बहुत ज्यादा जरूरत है। नहीं लेकिन अब हम ठीक हो। थैंक यू सूरज, हमें जब भी आपकी जरूरत पड़ेगी हम आपको कॉन्टेक्ट करेंगे। बस सूरज अब हम यहाँ नहीं रुकेंगे, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें नहीं चाहिए फैक्ट्री। जब मैंने ये खबर सुनी मेरी तो जान ही निकल गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। देखो हमें इसी वक्त यहाँ से वापस चलना चाहिए। आरती सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, जब तक फैक्ट्री का मामला सुलझ नहीं जाता हमें अपने आप को संभालना होगा। हमारी मंजिल करीब आ चुकी है, हम बीच रास्ते तक पहुंच चुके हैं। आरती मेरे परिवार वालों को खुशियां देने में क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? ठीक है मैं मिहिर भैया को फोन कर देती हूँ। नहीं नहीं प्लीज प्लीज आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व देम, अगर उन्हें पता चलेगा तो उन्हें बहुत दुख होगा। प्लीज देखो अब तुम जाओ, तुम ज्यादा देर यहाँ पर रुकी तो लोगों को शक हो जाएगा। ओके बाय। ओके तुम अपना ख्याल रखना, मैं चलती हूँ। रमेश जी देखिए यहाँ का जो भी खर्चा आएगा मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, लेकिन फैक्ट्री के किसी भी मजदूर को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ठीक है। क्या सूरज सब क्या होगा? तू बता ना किसने मारा तेरे को? ये तुम क्या कह रही हो आरती? मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ मिहिर भैया। लेकिन ये सब हुआ कैसे और किसने किया? बस आप ये समझ लीजिए कि जिन लोगों ने हिम्मत चाचा और हेमंत भैया पर हमला किया था उन्ही लोगों ने यही बात किरण के साथ भी दोहराई है। आप मुझसे एक बात प्रॉमिस कीजिए, आप घर में किसी से कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आरती देखिए भैया मैं ये नहीं चाहती कि घर के किसी भी सदस्य को कुछ भी पता चले क्योंकि उन्हें टेंशन होगी। मैं तो किरण को देख के घबरा गई थी और मैंने जिंदगी से हार मान ली। लगता है मुझे वहाँ आना ही पड़ेगा क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है।
नहीं मीर भैया, आपको यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है, हम संभाल लेंगे। सूरज उर्फ किरण और किरण उर्फ आरती पर मुझे पूरा भरोसा है। ये लो, अपनी भाभी से बात करो। आरती, डोंट वरी। देखो ठाकुर जी पर भरोसा रखो, अपना और किरण भैया का ख्याल रखना। हाँ, हम दोनों जल्दी तुम दोनों से मिलने आएंगे, ठीक है? आरती, बाय द वे, ये किरण कौन से अस्पताल में? यही पास में एक सरकारी हॉस्पिटल है, वहीं पर एडमिट किया है। लेकिन मीर भैया, किरण ने मुझसे कहा था कि मैं घर वालों को कुछ ना बताऊं। आप प्लीज किसी से कुछ मत कहिएगा। आई प्रॉमिस यू, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। ओके, बाय एंड टेक केयर। तुलसी, मुझे लगता है कि किरण की हालत के बारे में आरती मुझसे कुछ छुपा रही थी। मिहिर, लगता है कि वो ज्यादा मुसीबत में है और हमें बताना नहीं चाहते। किरण भैया की हालत गंभीर हो सकती है। देखो, इसे पहले कुछ और हो, हमें बापूजी और बा को बता देना चाहिए। गलती से भी ये बात किसी को बताना मत, वरना खामखा उन दोनों को टेंशन हो जाएगी। अब असली बात क्या है, हमें वहां चलकर ही पता चलेगा। ठीक है, मैं कल 4 बजे गाड़ी लेकर आती हूँ, हम दोनों साथ निकल पड़ेंगे। लेकिन तुलसी, मुझे ऐसा लगता है कि किरण ने ये जो प्लान बनाया है, हमारे जाने से चौपट ना हो जाए। तुलसी जी, वहां से वो बुक देना। ये लो। थैंक यू। सुनिए। हाँ? एक बात कहूँ आपसे? हाँ, कहो। आप जानते हैं ना, चिराग फिर से फेल हो गया है। हाँ, हिम्मत चाचू ने मुझे बताया। बड़े अफसोस की बात है। पता नहीं ऐसा उस बेचारे के साथ ही क्यों होता है। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप चिराग को अपने साथ क्यों नहीं रखते? तुलसी, बचपन की बात कुछ और थी, जब हम साथ खेलते थे, पढ़ते थे। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, हमारे सर पर जिम्मेदारियों का बोझ है। बिजनेस कोई खेल नहीं है जिसके साथ हम खिलवाड़ कर सकते हैं। चिराग मेरा भाई है, उसके प्रति मुझे बहुत प्यार है। लेकिन तुलसी, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं उसे अपने भरोसे पर बिजनेस के मैदान में खड़ा कर दूं। बिजनेस में ऐसा नहीं चलता तुलसी। कम से कम एग्जीक्यूटिव लेवल पर एक जिम्मेदारी निभाने की काबिलियत होनी चाहिए। पर अफसोस की बात तो यह है कि चिराग में वो काबिलियत नहीं है। आप ये क्यों नहीं सोचते कि चिराग के अंदर भी कुछ टैलेंट है जिसे बाहर निकालने की जरूरत है? मुझे पूरा यकीन है वो जिंदगी में कुछ कर पाएगा। मिहिर, आज मैंने उसे देखा था, जिंदगी से पूरी तरह हार चुका है वो, रो रहा था। तुम देखना, अगर आज वो सीरियस है तो फिर से कल वो ठीक हो जाएगा। इसलिए हिम्मत चाचू का डांटना जायज है। अगर वो कुछ नहीं कर पाया तो मैं उसे संभाल लूंगा। मैंने उसका ग्राफ देखा है तुलसी, आई थिंक he will have to work really hard, otherwise he will have to suffer. मगर इस तरह पड़ेगा दक्षा तो कुछ नहीं बन पाएगा। ये पत्थर है पत्थर, जिस पर जितना मर्जी पानी फेंको सूखा ही रहेगा। अरे पत्थर भी कभी कभी पीसने के काम आ जाता है, मगर चिराग उस लायक भी नहीं है। लेकिन चिराग, अपनी पहचान तुम्हें खुद बनानी है। जहां तक मैं उसे जानता हूं, उसका टेम्परमेंट बिजनेस का नहीं है। वो किसी और फील्ड में शायद कुछ कर पाए। देख, तू मेरा बेटा है ना, मैंने तो तेरे लिए कितने सपने देखे हैं, वो सब सपने तुझे पूरे करने हैं। नहीं, क्या ये मेरी जिंदगी है? क्या मैं कभी अपने माँ के सपने साकार नहीं कर पाऊंगा? अगर इसी तरह मेरी जिंदगी चलती रही तो एक दिन मैं सबको क्या मुंह दिखाऊंगा? रामायण में पढ़ा था, चोर और लुटेरे वाल्मीकि ने घर वालों का त्याग करके, तपस्या करके वो वाल्मीकि ऋषि बन गए। क्या मैं जिंदगी में कुछ भी नहीं बन सकता? अगर मुझे कुछ पाना है, कुछ हासिल कर दिखाना है, तो इस घर का, इस परिवार वालों का त्याग करना ही होगा। बाहर की जिंदगी कैसी है ये मैं नहीं जानता। मैं जानता हूं कि मुझे दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी, बहुत तकलीफ होगी, लेकिन अब घर वालों के ताने मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता।
मैं पापा को वो पत्थर बन के दिखाऊंगा जिसकी पूजा की जाती है। मम्मी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं आप सबको बताए बिना ये घर छोड़कर जा रहा हूं। जीवन में जो हार से घबराए, जीत का सुख वो कभी नहीं पाए।